उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। बुधवार देर रात कटघर थाना क्षेत्र स्थित काशीपुर तिराहे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से लगातार आधा घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान कार सवार एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उस पर मुरादाबाद पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बदमाश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में उस पर लूट और डकैती के एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस टीम उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। कटघर थाना क्षेत्र में काशीपुर तिराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। कार पर सवार होकर एक संदिग्ध युवक आ रहा था। पुलिस ने चेकिंग करने के लिए कार को रोकने का प्रयास किया और इशारा किया। कार रोकने के बजाय बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। क्या मामला? ये आज SOG पुलिस और थाना कटघर पुलिस काशीपुर दरा पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान मूढ़ा पांडे दलपतपुर की ओर से दिल्ली नंबर की एक एक्शन गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जो कि काफ़ी तेज स्पीड में चल रही थी। जब गाड़ी चालक ने दूर से चेकिंग होती हुई देखी तो उसके द्वारा वहीं पर ब्रेक लगाकर तेज़ी से गाड़ी को यू टर्न लेकर वापस मूढ़ा पांडे की तरफ ले जाया गया। जब वो इस स्पीड से चला रहा था तो वहाँ चेकिंग कर रही टीम को कुछ शक हुआ, जिस पर उनके द्वारा तत्काल अपनी टीम के साथ उनका पीछा किया गया। पुलिस के अपने पीछे लगा हुआ देखकर उस व्यक्ति ने एक कच्ची सड़क जो कि गत्तागढ़ की तरफ जा रही है उस पर अपनी गाड़ी मोड़ दी। कच्चा रास्ता होने के कारण और गाड़ी में कुछ खराबी के कारण उसकी गाड़ी बीच में रुक गई, जिस पर उसके द्वारा उतरकर पेट की आट ली गई और पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा बचते हुए उस पर फायरिंग की गई। एक फायर पुलिस टीम की तरफ से हुआ जो कि अपराधी के पैर में लगा। उस अपराधी को जब तुरंत जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। ये तीन थानों से वांछित चल रहा था, थाना कटघर, थाना पाकबाड़ा और थाना सदर बाज़ार मेरठ। मौजूदा समय में ये थाना कटघर से जनपद मुरादाबाद 25,000 रुपये का वांछित था और गाड़ी जो इसके पास से बरामद हुई है ये गत वर्ष एक लूट की घटना घटित हुई थी उसमें इसका प्रयोग किया गया था। ये वही गाड़ी है, इसको अभी लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये गाड़ी चोरी की है या इसका स्वामित्व किसके पास है।